दोस्तों क्या आप जानते हैं फॉरेन यूट्यूबर्स इंडियन यूट्यूबर्स के मुकाबले सेम व्यूज़ के लिए 72 टाइम्स दोस्तों, हाँ दोस्तों 72 टाइम्स मोर देन इनकम करते हैं सेम व्यूज़ के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत एंड आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो टाइटल पढ़ के तो आपको समझ में आ ही गया है कि आज मैं इंडियन यूट्यूबर्स एंड फॉरेन यूट्यूबर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी यूट्यूबर्स को मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूं, किसी को नीचा दिखाना चाहता हूं। मैं दोस्तों एक हेल्दी एंड फ्रेंडली कंपैरिजन करूंगा इंडियन यूट्यूबर्स एंड फॉरेन यूट्यूबर्स के बीच में। तो दोस्तों बेसिकली मैं आज 3 पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं, जिनको सुनने के बाद आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। मेरा जो पहला पॉइंट है वो है ट्रेंड स्टार्ट, इंडिया में एंड फॉरेन में ट्रेंड इसका कब स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों 2006 में फॉरेन में इसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, ये वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुका था। वहाँ पे यूट्यूब को यूज़ करके कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस किया जा सकता है, कैसे इसका मार्केटिंग एंड कस्टमर अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सकता है, इसके ऊपर काम शुरू हो गया था और ये अच्छा रिजल्ट भी दे रहा था फॉरेन में। तो दोस्तों दूसरे छोर पे 2016 तक इंडियन मार्केट में इसका ट्रेंड नहीं था। 2016 के बाद ही YouTube को एज ए मार्केट एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया और दोस्तों आपको पता है कि ये बहुत सक्सेसफुल रहा। तो 2016 के बाद ही प्रोडक्ट को YouTube के यूज़ से कैसे कस्टमर तक लाया जा सकता है इसका ट्रेंड चालू हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों 2006 में फॉरेन ने चालू किया और 2016 में इंडिया ने चालू किया, तो उन्होंने पहले हमसे स्टार्ट किया है तो उनका एक उनके लिए एक थम्सअप जरूर बनता है दोस्तों, और वो उनका जो प्रेफरेंस है वो भी आगे रहेगा। तो दोस्तों मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है टारगेट ऑडियंस। तो दोस्तों हमारे इंडियन यूट्यूबर्स हमारे टारगेट ऑडियंस को इंडिया में ही ढूंढते हैं, इंडिया को ही हम अपना टारगेट ऑडियंस मानते हैं, बट फॉरेन में उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग होने के कारण उनके टारगेट ऑडियंस अलग है, उनके विचार अलग है। इसीलिए दोस्तों उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस कभी मैच नहीं कर सकते हैं। तो उनका टारगेट ऑडियंस एंड हमारा टारगेट ऑडियंस टोटली अलग है, तो ये टोटली एक अलग पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कस करना सही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों उनका टारगेट ऑडियंस अलग है, हमारा टारगेट ऑडियंस अलग है, यही मेरा पॉइंट था दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो है मेरा है दोस्तों करेंसी डिफरेंस। तो दोस्तों वहाँ पे आपको पता है डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इंडिया में रुपी के मुकाबले डॉलर बहुत महंगा है। तो दोस्तों वहाँ पे जब कोई भी ऐड वीडियो से पहले चलता है उस ऐड में उनको डॉलर में इनकम करने का मौका मिलता है, हम यूट्यूबर्स को उसी ऐड को रुपीज़ में हमें इनकम करने का मौका मिलता है दोस्तों। तो इस कारण हमारे इंडियन यूट्यूबर्स लेस इनकम करते हैं दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ख़राब है, हम बहुत नीचे हैं, ये आप मत सोचिए दोस्तों, मैं एक हेल्दी एंड फ्रेंडली कंपैरिजन लाया हूँ। और तो दोस्तों ये जान लीजिए कि फॉरेन यूट्यूबर्स एंड इंडियन यूट्यूबर्स काम एक ही करते हैं, दोनों मेहनत एक ही करते हैं, अपने कंटेंट के ऊपर दोनों ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों डिफरेंस कहाँ पे है ये दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेन डिफरेंस है टारगेट ऑडियंस दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं डॉलर में इनकम करना, तो आप भी फॉरेन ऑडियंस को अपने टारगेट ऑडियंस के तरह टारगेट कीजिए एंड उनके लिए आप वीडियो बनाइए, तब जाके फॉरेन एडवर्टाइज कंपनियाँ आपके वीडियो को प्रमोट करेंगी, आपके वीडियो में आके वो प्रमोशन करेंगी, तब जाके आपको डॉलर में इनकम होना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब शायद आपको एक क्लियर पिक्चर मिल चुका है, और वीडियो को इतना देर देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।